हेलो दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइज, लास्ट मंथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी ने एक बड़ा धमाका किया था 2020 की अपनी सात बड़ी मूवीज अनाउंस करके, इंक्लूडिंग दिल बेचारा ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सो इट्स नेटफ्लिक्स इंडिया टर्न टू अनाउंस देयर 2020 प्लेलिस्ट। और नेटफ्लिक्स इंडिया ने काफ़ी बड़ा धमाका किया है, अपने 17 प्रोजेक्ट्स उन्होंने आज अनाउंस किए हैं, इंक्लूडिंग सम वेब सीरीज, मिनी वेब सीरीज और फिल्म। सो आई एम हियर गोना टेल यू अबाउट दिस सीरीज, मिनी सीरीज एंड फिल्म। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इत्मीनान रखिए, बट यस, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुंजन सक्सेना स्टारिंग जानवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी। सबको पता है कि फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के लिए बनी थी, लेकिन ये जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना का, उसके बाद थिएटर्स बंद हो गए, तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया धर्मा प्रोडक्शन ने कि हम इसको नेटफ्लिक्स पर ले जाते हैं। और फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट नई बात और लेटेस्ट न्यूज़ ये है, दिस इज द ओनली फिल्म जिसकी रिलीज डेट आउट हुई है। सो नेटफ्लिक्स इज गोइंग टू रिलीज द फिल्म, यानी कि जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल इज गोइंग टू रिलीज ऑन 12th August। सो ऑब्वियसली बड़ी ही नज़दीक है 12 अगस्त, और बहुत जल्दी ट्रेलर आने वाला है, तो बहुत ही जल्दी इसका ट्रेलर रिएक्शन भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज लूडो, अनुराग बसु डायरेक्टोरियल लूडो एंड द फर्स्ट मल्टी स्टारर ब्लैक कॉमेडी ड्रामा जो किसी OTT पर प्रीमियर हो रहा है। द फिल्म इज स्टारिंग अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा, पंकज त्रिपाठी और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है फिल्म की। यू नो दिस इज मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म फॉर मी एट लीस्ट। तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज टोरबा स्टारिंग संजय दत्त एंड नरगिस फकरी। द फिल्म इज सेट ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अफगानिस्तान एंड द प्लॉट इज बेसिकली अबाउट द चिल्ड्रन सुसाइड बॉम्बर्स, जिनको फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट टोर बस। नेक्स्ट इज डोली किटी और चमकते सितारे स्टारिंग भूमि पेडनेकर एंड कोंकणा सेन शर्मा। वैसे ये फिल्म बोजान के 2019 के किसी फेस्टिवल के अंदर प्रीमियर हो चुकी है और फिल्म को काफी अच्छी फीडबैक मिली थी वहां से। सो अब बारी है रात अकेली है स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी एंड राधिका आप्टे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड राधिका आप्टे बदलापुर और सेक्रेड गेम्स के बाद तीसरी बार आ रहे हैं एंड दिस इज सेकेंड रीयूनियन ऑफ द पेयर विद नेटफ्लिक्स ओरिजिनल या नेटफ्लिक्स कंटेंट, क्योंकि ये दोनों ही साथ में पहले सेक्रेड गेम्स के अंदर थे और अब रात अकेली के अंदर आ रहे हैं। और अब नंबर आता है रेड चिलीज का थर्ड वेंचर विद नेटफ्लिक्स। पहला बार्ड ऑफ ब्लड था, दूसरा बेताल एंड थर्ड वन इज क्लास ऑफ 83 स्टारिंग बॉबी देओल इन द मेन रोल। सो नाउ हियर इज अ रोमांटिक ड्रामा ऑफ यामी गौतम एंड विक्रांत मैसी। यस, यू आर गेटिंग इट राइट, इज गिनी वेड सनी, अगेन अ रोमांटिक ड्रामा। मुझे कुछ नहीं पता इस फिल्म के बारे में, बट दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रीमियर ऑन नेटफ्लिक्स। अगली मैं जो फिल्म बताने वाला हूँ, ये काफी अलग सा कंसेप्ट है और पहली बार मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड के अंदर ट्राई किया जाने वाला है, दैट इज AK वर्सेस AK। अनुराग कश्यप एंड अनिल कपूर दोनों ही है इसके अंदर और फिल्म का जो प्लॉट है वो काफी अलग सा है। इट्स अबाउट अ स्टार एंड अ डायरेक्टर। सो एक डायरेक्टर है जो बॉलीवुड स्टार किड को किडनैप कर लेता है। अब उसके बाद जब बॉलीवुड स्टार अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है, सो वो रियल टाइम में उसको कैप्चर करता है अपनी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, अपनी फिल्म बनाने के लिए। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग गाइस, मुझे सीरियसली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये कंसेप्ट। और वैसे भी अनुराग कश्यप होने वाला है इसके अंदर एंड द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवानी। सो इसको बिल्कुल छोटा नहीं आंक सकते, दिस वन इज गोइंग टू बी द बिग वन। सो इट्स अगेन अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी द सीरियस मैन, डायरेक्टेड बाय सुधीर मिश्रा जो डार्क जोनर के लिए काफी ज्यादा फेमस है अपने। एंड दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अ स्लम एरिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ रहते हैं अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और वो कुछ झूठी स्टोरी बना देते हैं अपने बेटे को लेकर कि उनका बेटा मैथ के अंदर जीनियस है, ऐसा कुछ है। मैं एग्जैक्ट रिसर्च कर नहीं पाया इसके ऊपर। तो उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, सो द सीरियस मैन इज ऑल अबाउट दैट। सो नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज त्रिभंगा टेडी मेडी क्रेजी, द फिल्म इज स्टारिंग काजोल इन द टाइटलर रोल एंड द फिल्म इज ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड बाय हर हस्बैंड अजय देवगन। सो गाइस, नेक्स्ट मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, ये काफी अलग सा प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स के लिए। दिस इज फर्स्ट पंजाबी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंसेप्ट। टाइटल इज काली खुई स्टारिंग शिबाना आजमी एंड रीवा अरोड़ा इन द टाइटलर रोल्स। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ 10 years old गर्ल जो अपने गांव में दोबारा वापस बुला ली जाती है एंड रिलेटेड टू सम हॉन्टेड थिंग्स जो गांव के अंदर हो रही है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट भी, बट कब प्रीमियर होगी कब नहीं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। और जो नेक्स्ट फिल्म है दैट इज सम एनिमेटेड फिल्म बॉम्बे रोज। वैसे 2019 के अंदर ये फिल्म आ चुकी है बट अगेन नेटफ्लिक्स इसको प्रीमियर कर रहा है एज अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट। सो दोस्तों, ये सारी मूवीज थी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आनी है अभी, बट कब आएंगी कब नहीं इसके बारे में कहना मुश्किल है। जैसे ही नई अपडेट आती रहेंगी, प्रीमियर डेट आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। अब बात करते हैं वेब सीरीज की जो 2020 में नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है। सो सबसे पहले बात करेंगे असुटेबल बॉय स्टारिंग ईशान कट्टर, तब्बू, रसिका दुग्गल एंड राम कपूर इन द टाइटलर रोल्स। इट्स एन इंग्लिश वेब सीरीज क्योंकि सारी टीम ही बाहर की है इसके ऊपर एंड द सीरीज इज बेस्ड ऑन द नॉवल ऑफ द सेम नेम। वैसे तो BBC One के ऊपर इसका ट्रेलर आ चुका है अगर आप यूट्यूब चेक करेंगे तो, बट नेटफ्लिक्स भी दावा कर रहा है कि वही सीरीज को देने वाला है। सो आई थिंक देर इज सम कनेक्शन बिटवीन BBC One एंड नेटफ्लिक्स,
बट एक इसके ऊपर प्रीमियर होगी, मैं थोड़ा डाउट में हूँ क्योंकि बीबीसी वन बोल रहा है कि वहाँ पर प्रीमियर होनी है ये। बट जो भी है, ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी होने वाली है। प्रीमियर डेट अभी तक इसकी बाहर नहीं आई है, बट ट्रेलर इज डैम अमेजिंग, बहुत बढ़िया ट्रेलर है इसका। नेक्स्ट वन इज मिस मैच्ड, स्टारिंग रोहित सराफ एंड प्राजक्ता कोहली। ये भी एक वेब सीरीज है, रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है ये भी, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट। तो नाउ स्वरा भास्कर, जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं अपनी सीरीज को लेकर, अपनी मूवीज को लेकर, जिन्होंने भी हाल ही में रसभरी भी निकाली थी। सो इट्स अबाउट भाग बेनी भाग, जो उनकी नेक्स्ट वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी ये भी। द सीरीज इज अबाउट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, जो कि स्वरा भास्कर का ही कैरेक्टर है बेनी का। बट क्या होने वाला है क्या नहीं, यहाँ पर कुछ थ्रिल आता है बीच में शायद, ऐसा सुना है मैंने। उसके बाद स्टोरी बिल्कुल चेंज होने वाली है, आई डोंट नो मच अबाउट इट सीरियसली, बट इट्स गोइंग टू बी प्रीमियर्ड ऑन नेटफ्लिक्स दिस ईयर। तो नेक्स्ट वेब सीरीज जिसकी बात करने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस बॉम्बे बेगम्स, स्टारिंग पूजा भट्ट, अमृता सुभाष, और इन दोनों के अलावा भी तीन कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये पाँच ही हैं जो करेक्टर मेन होने वाले हैं, और पाँचों अलग अलग जनरेशन के हैं, बट दिस इज यू नो रियली गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। सो नेक्स्ट इज मसाबा मसाबा, बेस्ड ऑन मसाबा गुप्ता लाइफ, जो फैशन डिजाइनर हैं। इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया। सो गाइज, दिस इज द लिस्ट ऑफ 17 प्रोजेक्ट्स, 17 ओरिजिनल नेटफ्लिक्स कंसेप्ट जो आने वाले हैं 2020 के अंदर। तो धूम मचने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसके अलावा डिजनी प्लस हॉटस्टार अपनी लिस्ट जारी कर चुका है, अमेजोन प्राइम टाइम टू टाइम कर ही रहा है अनाउंस। तो बहुत स्टफ आने वाला है 2020 में। आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है? माइंड वन इज AK वर्सेस AK एंड लूडो। आप अपने बारे में जरूर बताइएगा मुझे, आपको कौन सा स्टफ बहुत ज़्यादा उत्सुक आप देखने के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर ऑब्वियसली। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर जल्दी ही। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।